अरे किरण साहब, आप कोई ढूंढ रहा था? मलिक की कंडीशन के बारे में बात करनी थी। जी कहिए। किनान साहब आ गए। क्या किनान? किनान यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें हॉस्पिटल किनान साहब लेकर आए थे। क्या? अब हम क्या करेंगे? आपा, उसने एलिफ को देख लिया तो कुछ करें आपा। कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है। उनकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। आप जरा मेरे साथ चलिए, कुछ खास बातें करनी है। आइए। लगता है चले गए। जैनब, तुमने ध्यान से देखा है ना? ठीक है, आप दोनों बस दरवाजे के पीछे छुप जाइए। आ जाओ बेटा। कोई भी नहीं है। केनान साहब के आने से पहले जाना होगा। मलिक, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है अब्बा। एलिफ, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ अब। मुझे आपके साथ रहना है। बस मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊँ, उसके बाद हम साथ रहेंगे हमेशा। ठीक है। तो आप हॉस्पिटल से बाहर कब आएंगी अम्मी? तबीयत ठीक होगी तो आ जाएंगी, डॉक्टर कॉल करके बता देंगे हमें। आप जल्दी से ठीक हो जाएं। वादा करती हूँ तुमसे, जल्दी ठीक हो जाऊंगी मैं। आयशा अप्पा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ बाहर। आ जाओ बेटा। सादिक, कोई तो राज होगा जो ये छुपा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है। सच में? क्या कुछ पता चला उस बारे में? उसने किसी को नहीं बताया कि वो मरीज एक औरत है, सब उसे एक मर्द समझ रहे हैं। ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई राज जरूर छुपा है। किसी को नहीं बताया कि उसने उसे कॉल की थी। सादिक, तुम्हें पता लगाना होगा, उन दोनों के दरमियान कोई तो कनेक्शन है, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ। ठीक है, कोशिश करता हूँ। सादिक जी, कहें मलिक साहब। वो अला काबे गांव वाली औरत जो है, उसने मेरी बहन को किसी डॉक्टर को दिया था। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला आपको आपकी बहन जरूर मिल जाएगी मलिक साहब। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, देखना किसी को शक ना हो। मलिक होश में आ गई हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। गुड न्यूज ये है कि मलिक के किए गए तमाम टेस्ट सब क्लियर हैं, लेकिन उन्हें एहतियात करनी होगी और इनके खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये काफी कमजोर हो चुकी हैं। इनकी ये हालत खराब माहौल में रहने की वजह से हुई है। मैं समझा नहीं। इनको नमूनिया हो चुका है कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से इनका अंदरूनी निजाम मुतासिर हो चुका है और उसी बीमारी के असरात अभी तक मौजूद हैं। यानी कमजोरी काफी बढ़ गई है, यही मतलब है आपका? लगता है ये रेस्ट कम करती हैं और काम ज्यादा करती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती। जिस तरह की ये जिंदगी गुजार रही हैं, ये मशक्कत वाले काम इन्हें ठीक तरह से रिकवर होने नहीं देंगे। इस तरह से तो इन्हें कोई भी खतरनाक लाइलाज बीमारी लग सकती है और नतीजा बुरा हो सकता है। तो फिर आपकी क्या राय है इस बारे में? केनान साहब, इन्हें अपनी तमाम दवाइयां वक्त पर खानी होंगी और जैसा कि मैंने कहा आपसे, इन्हें अच्छे माहौल में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, तभी ये सेहतमंद हो सकती हैं। ये एहतियाती तदाबीर अपनाई तो फिर ये जल्दी रिकवर हो जाएंगी। जी ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया।
अरे मेरी जान, तुम बिल्कुल उदास मत होना, ठीक है? तुम मुझसे रابطے में रहना, ठीक है बेटा? ठीक है आपा। आ जाओ एलिफ। आयशा खाला, हम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? अम्मी जान को आराम की जरूरत है, हम फिर यहाँ आ जाएंगे। मुझे अम्मी के साथ रुकना है, मैं अम्मी का ख्याल रख लूंगी, मैं शोर भी नहीं करूंगी, तंग भी नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। एलिफ मेरी जान, बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं रुकने देते ना, इसीलिए आपको जाने का कहा है मेरी जान। गई है जी, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा मुझे, नहीं तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं सच में आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। वो फिलहाल हमें किसी मदद की जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे खैर में चलता हूं, ख्याल रखिएगा उनका। ओके। किनान यही था क्या? जी बिल्कुल आपा, मुझे किनान ने बचाया था। क्या वो अभी भी यही है? वो चले गए आपा, वो अंदर आ रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई उनकी। ज़ैनब, चलो अब चलते हैं हम यहां से। अभी नहीं जा सकते आपा। ज़ैनब समझो, इससे पहले कि वो दोबारा यहाँ आए जाना होगा हमें। चले आपा, ठीक है, मैं बात करती हूँ डॉक्टर से। हसीन नजारा है। किनान, ऐसे मत देखो। क्यों? इस प्यारे से चेहरे से कैसे नजर हटाऊं? नामुमकिन है ये। तुमसे बहुत प्यार करती हूं मैं, हमेशा मेरे साथ रहना तुम। मैं साथ ही रहूंगा हमेशा तुम्हारे, और साथ में ही बूढ़े होंगे।
वादे नहीं निभा सके, नहीं निभा सके। जी फरमाइए। डॉक्टर, मुझे कुछ पूछना था आपसे। जी पूछे। मुझे मैलिक सिमसिक के बारे में पूछना था। मैं बस उनका चेकअप करने जाना ही वाला था। कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र है खुदा का। आप उन्हें डिस्चार्ज कब करेंगे? फिलहाल तो उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है, कल तक उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन उन्हें पहले से बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी, क्योंकि ये काफी कमजोर हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा तो ये दोबारा बीमार हो सकती हैं। तो इसलिए आपको इनका ख्याल रखना होगा। ठीक है, आप फिक्र ना कीजिए, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उनका। इन्हें टाइम पर मेडिसिन देना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा तो ये दोबारा बीमार हो सकती हैं। तो इसलिए आपको इनका ख्याल रखना होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी आपा, कुछ भी नहीं। ज़ैनब, क्या कहा डॉक्टर ने? प्यारी आपा, अच्छी खबर है, आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे इंशाल्लाह। तुम सच कह रही हो ना ज़ैनब? या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक। सुबह होते ही डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर ने आपसे बात करने का भी कहा है। पापा जान, मुझे कैफे जाना है। कुछ चाहिए तो कॉल कर दीजिएगा। हेलो ज़ैनब, मेली पापा कैसी हैं? ठीक है, वो कल डिस्चार्ज हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो अच्छी खबर है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, सुनकर खुशी हुई। आरदा साहब है यहाँ? उन्हें कोई जरूरी काम है इसलिए वो आज नहीं आएंगे। क्या कोई काम था? हाँ, उनसे पूछना था कि मैं छुट्टी कर सकती हूँ क्या। मैं उन्हें कॉल करके पूछ लेती हूँ फिर। उन्हें कॉल नहीं करना, आज वो बहुत बिजी है, शायद कोई मेहमान आए हैं उनके। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। मैं चली जाऊं, तुम संभाल लो कि अकेले? हाँ जाओ तुम, मैं संभाल लूंगा, जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगा। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखना। ज़ैनब, इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ ठीक हूँ मैं। ये बताओ, पेशेंट की तबीयत कैसी है, कुछ बेहतरी आई क्या? उन्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे इंशाल्लाह, बस अब मुझे किराए का घर ढूंढना है। उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए क्या? हाँ, हम वैसे ही घर तो ढूंढ ही रहे थे। क्या मतलब हम ढूंढ रहे थे? हाँ, हम साथ रहेंगे ना। सलीम, मुझे अब चलना चाहिए क्योंकि आज लाजमी घर ढूंढना है। ज़ैनब, इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? मजबूर हूँ, क्या करूँ। चलो मैं भी साथ चलता हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ज़ैनब, ऐसे अकेले किराए का घर ढूंढना सेफ नहीं है, मैं भी साथ चलता हूं तुम्हारे, प्लीज।
उदास मत हो मेरी जान, अम्मी ठीक हैं, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ कि हम वहाँ क्यों नहीं रुके, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं रुक सकते, वरना तो मैं अपनी अम्मी का खुद ख्याल रखती और उन्हें दवाइयाँ भी देती, फिर वो जल्दी ठीक हो जाती। शाबाश बेटा। लेकिन वो बच्चों को क्यों हॉस्पिटल में रुकने नहीं देते? बच्चे रोते हैं इसलिए उन्हें रुकने नहीं देते ना। आशा आपा, कहाँ गई हुई थी आप? वो केनान साहब, मैं जरा काम से गई थी, अभी अभी तो बस से उतरे हैं हम घर ही जा रहे थे वैसे। ठीक है, तो मेरे साथ चलिए। नहीं, वो हम खुद चले जाएंगे यहाँ से। अरे हद करती हैं आप, अब बैठ भी जाइए ना, आ जाइए। वैसे आप क्या हॉस्पिटल से आ रही थी आपा? जी अंकल। वो सोचा कि तबीयत पूछ लूं जाके, बस इसीलिए गई थी। ठीक है। केनान अंकल, क्या आपको पता है कि केनान साहब गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो, ठीक है ना? डॉक्टर से बात हुई है मेरी, वो होश में आ गई है। जी, उन्होंने मुझसे भी बातें की थी। एलिफ बेटा, आप भी गई थी क्या? हाँ हाँ, मेरे साथ ही थी ये केनान साहब। एलिफ को हॉस्पिटल क्यों लेकर गई आप? जब मैं जाने लगी तो आलिया साहिबा ने कहा कि एलिफ को ले जाना। फारिग आदमी है, जब देखो चला आता है यहाँ। इस चुड़ैल ने मुझे इतनी दूर से भी देख लिया। अरे आरजू, अकेले बैठे एंजॉय कर रही हैं, ताजा हवा लेने आई थी बस, आओ बैठो चाय पीते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों के लिए चाय मंगवाऊं मैं? चाय की वैसे ही बहुत तलब हो रही थी। विदाउट शुगर? आजू साहिबा कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी। आशा पा, सुनिए, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा आप। ठीक है केनान साहब। आपा मैं तो नहीं, आप तो मदद कर सकती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। क्या केनान अंकल ने मेरी अम्मी को बचाया है? इन बच्चों की बातें भी ना, आपका बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ बेटा।
आरजू साहिबा काफी खामोश रहती हैं आजकल आप। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई परेशानी की बात तो नहीं? क्या परेशानी हो सकती है मुझे? वो आप इतनी खामोश थी तो मैंने सोचा पूछ लो। कोई परेशानी नहीं है मुझे, तुम मेरी फिक्र मत करो। किनान के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है, एक साथ बिजनेस जो शुरू किया है तुम दोनों ने। सही समझे हैं आप, हमारी दोस्ती काफी गहरी हो चुकी है, उनके मुताबिक तो हम पक्के दोस्त बन चुके हैं, काफी बनती है हमारी। नया बिजनेस शुरू करना है तो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, अब तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पैसे मैं जल्दी वापस कर दूंगी। ओ नहीं नहीं, आपने तो मेरी बात का गलत मतलब ले लिया। वादा करती हूँ तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगी, भरोसा रखो मुझ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है आरजू मैडम, आप पर कोई दबाव नहीं है मेरा। मैं ले आई चाय, कोई था ही नहीं तो खुद ही बना ली। आपकी कुव्वत मुदाफियत काफी कमजोर है, आपको पाबंदी से दवाइयां खानी होंगी, परहेज का खास ख्याल रखना है, और आपको अपनी खुराक का भी अच्छी तरह से ख्याल रखना है, समझ गई है ना आप? ये मकान है, बस थोड़ी सफाई करनी होगी। क्या ये वही घर है जिसका किराया आपने बताया था? ठीक है, मुझे मकान पसंद आया है। एक्सक्यूज मी ज़ैनब, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैं पागल लग रही हूँ तुम्हें? यार तुम इस घर की हालत देखो, कैसे रहोगी यहाँ? माफी चाहती हूँ मैं, सलीम साहब को तो मेंशन की आदत है ना। ज़ैनब थोड़ा अकल से काम लो, कोई भी नहीं रह सकता यहाँ। मजबूर हूँ, क्या करूँ? लेकिन अपनी दोस्त की हालत देखी है ना तुमने, वो यहाँ ठीक से नहीं रह सकेंगी। सर क्या आप कोई और घर दिखा सकते हैं? जी जरूर। तुम जानते हो ना दूसरे मकान कितने महंगे हैं। लेकिन देखने में क्या बुराई है, मैं डिस्काउंट करवा दूंगा तुम्हें। चलिए दूसरा घर दिखाइए। कैलीग्राफी की क्लासेस कैसी जा रही हैं? काफी अच्छी, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। कैसे हैं आप मैली साहब? शुक्र है खुदा का, आप हमारा वादा भूल गए हैं शायद। माजरत चाहता हूं मैली। किरास सुनिए जरा, मेरे लिए कप चाय ले आइए। जी किरान साहब, अभी लाती हूँ। सुना है आप दोनों कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तुम्हें किसने बताया एपिक? मैली साहब बता चुके हैं मुझे। अभी तो बस सोचा इस बारे में, देखिए क्या होता है आगे। बिल्कुल सही कहा आपने, वो कारोबार शुरू होने से पहले मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मुझे कुछ जरूरी काम है, इजाजत चाहता हूं, प्लीज आप लोग बातें करें, मिलते हैं।
ये टीवी लाउंज है और ऊपर और भी कमरे। ये घर काफी बेहतर है। हाँ, इसीलिए तो महंगा है। नया मकान है इसलिए महंगा है। अगर आप कहें तो मालिक मकान से बात करूं। नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्या आप दोनों साथ रहेंगे? नहीं, तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ सिर्फ। मैं अपनी एक दोस्त के साथ रहूंगी। ये तो वैसे ही साथ आया है ताकि ये मेरी मकान ढूंढने में मदद कर सके। साथ नहीं रहेगा ये, हम बस एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। यानी हमारे दरमियान कुछ नहीं है, बस दो लड़कियां ही रहेंगी इसमें, मैं और मेरी एक अच्छी सहेली है। इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो क्या मैं ऊपर के कमरे देख सकती हूँ? मेरे ख्याल में इन्हें घर पसंद आ गया है, लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने उस डॉक्टर का पता लगा लिया है जिसके बारे में आपने कहा था। भाई बहुत खूब, इलाके का तो मालूम हो गया है। बहुत जल्द अब घर का भी पता चल जाएगा, आप बेफिक्र रहें। सुनो, जितना हो सके उसके बारे में पता लगाओ। मैं उसकी मुकम्मल डिटेल्स चाहता हूँ। समझ गए हो ना तुम? समझ गया मेली साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आधा किराया आप देते रहेंगे मुझे? जी बिल्कुल, आप बस उससे कहिएगा कि यहाँ का किराया 400 लीरा है, लेकिन आप उसे 350 लीरा में दे देंगे, बाकी मैं आपको दूंगा। समझ नहीं आ रही मुझे, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं होगी प्रॉब्लम, एक साल का एडवांस किराया दूंगा, फिर एक साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी किराया आप उनसे लेते रहना। चलो ठीक है। जी तो आपको घर पसंद आया? जी बहुत प्यारा है। तो डील फाइनल करते हैं फिर। इसका किराया कितना है? 400 लीरा। वो तो सस्ता था। अरे सर, थोड़ा डिस्काउंट तो दीजिए आप हमें, देखें स्टूडेंट्स हैं। आप स्टूडेंट हैं तो 350 लीरा कर दूंगा। जबरदस्त, क्या ख्याल है? देखो यार, ये हमारे कॉलेज और कैफे के बहुत करीब है, तुम पैदल भी आ जा सकती हो। ठीक है। मुबारक हो। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं कल तक दे सकती हूँ? सॉरी मैडम, डिपॉजिट तो जमा कराना ही होगा, क्योंकि इस घर की डील हमारी किसी और के साथ भी चल रही है। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। सलीम नहीं, ये क्या कर रहे हो? तुम बाद में मुझे दे देना पैसे। कुछ भी करके मुझे मैली के पैसे लौटाने होंगे। उसने तो कहा था कि आप जब चाहें तब दे सकती हैं। हाँ, उसने ऐसा कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरा फायदा उठाए। उसे क्या फायदा हो सकता है आपसे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही हमारी फैमिली में इंटरेस्ट ले रहा है। कुछ कहा है उसने? कह रहा था कि मुझे फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा। अच्छा, तो उसे पैसे चाहिए। मुझे डर है कि कहीं वो किनान को इस बारे में न बता दे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बिल्कुल सही कहा। ये तो फैसल से भी ज्यादा खतरनाक है। फैसल से तो निपट चुकी, इसको भी देख लूंगी। कहाँ थे तुम सारा दिन? कब से ढूंढ रही हूँ मैं, कहीं नहीं दिखे, ना तुम ना ज़ैनब। वो हम लोग किराए का घर ढूंढ रहे थे। किराए का घर? तुम दोनों? हाँ तो?
बड़ी मुश्किलों से मिला यार। जरा एक मिनट ठहरो, तुम दोनों एक घर में रहने वाले हो? अरे नहीं यार, स्टेट एजेंट भी यही समझा, उसे लगा कि मेरी मंगेतर है ये। फिर अपने लिए नहीं तो किसके लिए घर ढूंढ रहे थे? जैनब के लिए ढूंढ रहे थे, उसे जरूरत है घर की। अरे क्या जैनब अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रही? वो अकेले रहेगी? अपनी किसी दोस्त के साथ रहेगी वो। क्या मिल गया घर तुम लोगों को? हाँ हाँ मिल गया। बच्ची तो बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनाती है। हाँ ओ बहुत प्यारी है। किसकी तस्वीर बनाई है ये? ये मेरी अम्मी है, इस हॉस्पिटल में है वो। और ये प्यारी सी बच्ची तुम हो क्या? जी ये मैं हूँ। और ये कौन है? आपके बाबा है ये? नहीं ये मेरे बाबा नहीं है, ये मेरे। अरे अलिफ हाँ चलो आ जाओ, मेज पे खाना लगाना है। खाला मैं ड्राइंग बना रही थी। बाद में बना लेना। हमें अब से बहुत एहतियात करनी होगी। एलिफ ने अगर किनान के सामने कुछ कह दिया तो उसे शक हो जाएगा। बच्ची का क्या भरोसा, कुछ भी कह सकती है। सही कह रही हैं आपा, बस एक बार नए घर में शिफ्ट हो जाए। हमें किराए का घर भी ढूंढना है, ठीक हो जाऊं तो मिलकर ढूंढने के। उसकी जरूरत नहीं है आपा जान, मैंने घर ढूंढ लिया है और मैंने तो घर का किराया भी दे दिया है और बहुत अच्छा है, वहाँ जल्द हम शिफ्ट हो जाएंगे। ज़ैनब तुम भी ना पहले क्यों नहीं बताया? बताओ घर कैसा है? कैसी हो जैनब? ठीक हूँ मैं। बहुत मुबारक हो तुम्हें जैनब। मुबारक किस बात की? सुना है कि तुमने रेंट पे घर ले लिया है, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी हेल्प कर देती तुम्हारी। शुक्रिया, लेकिन ये बताओ तुम्हें किसने बताया? और कौन बताएगा, सलीम ने आकर बताया मुझे, बोल रहा था कि उसने बहुत हेल्प की तुम्हारी। बहुत हेल्प की उसने यार, वैसे कमाल की पर्सनालिटी है सलीम की, जिस तरह वो जरूरतमंदों की हेल्प करता है मैं तो फैन हो गई। जरूरतमंद? उसे जरूर पसंद आएगा। ओह शायद तुम वो सब भूल गई हो जैनब, तुम्हें याद है ना जब तुम्हें मेडिसिन के लिए पैसों की जरूरत थी और तुम मुझसे उधार लेने के लिए आई थी, मगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई थी, तो सलीम तुम्हारी हेल्प करना चाहता था तुम्हें शर्मिंदा किए बगैर, उसे तुम पर बहुत तरस आया था तो इसलिए उसने मुझे पैसे दिए तुम्हें देने के लिए।
यानी वो पैसे तुमने नहीं दिए? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हें ऐसा रोता देखकर उससे रहा नहीं गया, तो इसलिए उसने सोचा कि तुम्हारी कुछ मदद कर दी जाए, क्योंकि तुम एक नीडी पर्सन हो। तो उसने ऐसा कहा है? हाँ, ऐसे ही कहा। यार कितना अच्छा दिल है ना उसका। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं। सलीम नहीं, ये क्या कर रहे हो? मुझे बाद में दे देना पैसे। हेलो, मैं ज़ैनब सिमसिक बोल रही हूँ, कुछ बात करनी थी। ठीक है, मैं अभी आकर आपसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। खुदा हाफिज़। माफी चाहता हूँ, आने में देर हो गई मुझे। नहीं, कोई बात नहीं। आप ये घर क्यों लेना चाहती हैं? इरादा बदल गया। आप तो उसका डिपॉजिट भी दे चुकी हो। कोई मसला नहीं, लीजिए। तो पिछला डिपॉजिट इसमें शामिल कर देता हूँ मैडम। नहीं, ये डिपॉजिट रख ले, उसे पैसे वापस कर दीजिएगा आप। ठीक है, ये ले, मैं चलता हूँ। अरे, तुम्हारी क्लास है क्या? नहीं, मैं ज़ैनब के साथ शिफ्टिंग में मदद करूंगा। इस बैग में क्या है? ये ज़ैनब के लिए है, नए घर का तोहफा। ये तो अच्छी बात है। ज़ैनब को देखा है क्या तुमने? हाँ, कैफे में देखी थी मुझे। नए घर की खुशी में मुबारकबाद देने गई थी मैं उसे। एनीवेज, मैं अब चलती हूँ। सी यू लेटर सलीम। ज़ैनब, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? क्या हुआ, तुम रो रही थी? नहीं आपा, मैं क्यों रहूंगी, सो नहीं सकी इतने दिन से, शायद इसीलिए लग रहा है। ठीक है, चलते हैं, लेकिन कहाँ? हमारे नए घर।
कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ। ज़ैनब यहाँ नहीं आई क्या? नहीं, वो आज नहीं आएगी, उसने घर शिफ्ट करना है। यहाँ से कब गई? थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। कितनी जल्दबाज है, जरा भी वक्त जाया नहीं किया। ये घर है आपा? ये घर तो नहीं जिसके बारे में बताया था, वो दूसरा घर था। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, मुझे माफ कर दीजिएगा आप। माफी क्यों मांग रही हो मेरी जान? देखो घर तो है, कम से कम यही बहुत है। बस एलिफ की कमी है। वो भी आ जाएगी आपा। अरे यार कहाँ है ये? शायद चाबी नहीं मिली उसे। कॉल भी नहीं उठा रही है, इसलिए एजेंट को कॉल करता हूं। हेलो, सलीम बात कर रहा हूं मैं। कल मैं आया था ना किराए का घर लेने के लिए, मेरी दोस्त फोन नहीं उठा रही है अभी, कब से घर के बाहर ही खड़ा हूं मैं। उन्होंने दूसरा घर किराए पर ले लिया है और आपका दिया हुआ डिपॉजिट भी वापस कर दिया है। अरे वो क्यों? जी मुझे नहीं पता, आप प्लीज मेरे ऑफिस आ जाए और अपने पैसे वापस ले जाए। ये टीवी लॉन्च है आपा। जानती हूँ ये रहने के काबिल नहीं है, लेकिन इसे हम ठीक कर लेंगे। आप जरा ये ओढ़े। मुझे ठीक होने दो बस, फिर हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। क्यों नहीं, जरूर। आप ठीक तो हैं? रुके मैं बैग से पानी निकाल कर देती हूँ, बस एक मिनट दीजिएगा। दरवाजे पे पता नहीं, शायद स्टेट एजेंट होगा, मैं देखती हूँ।